परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में दोबारा मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम एक पद के बारे में मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, जो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 15वां पद से। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उनका 15वां पद हम यूं पढ़ते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संदान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखो, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें याद दिलाते हैं इस जगत का एक तस्वीर दिखा करके। जगत का तस्वीर क्या है? ठेड़े और हटीले। ठेड़े और हटीले लोगों के बीच में तुम टेढ़े और हटीले नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर की निष्कलंक संतान, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनना और उनके बीच में भोले होना और निष्कलंक होना और जलते दीपकों के समान उनके सामने चमकना। प्रियो, इस वचन के मुताबिक जब अपने जीवन को हम देखें, इस दुनिया इस संसार हमें दिखाते हैं, अगर एक व्यक्ति टेढ़ा है उनके सामने हम एक टेढ़ा स्वभावी दिखाए, अगर एक व्यक्ति हमें जैसे हमसे बर्ताव करते हैं वैसे ही हम उन्हें भी बर्ताव करने के लिए इस जगह इस संसार हमें दिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, वचन हमें ये याद दिलाते हैं कि ये दुनिया टेढ़े और हटीला है, लेकिन उनके बीच में हम टेढ़े और हटीला नहीं बनना। जैसे दुनिया अपनी स्वभाव हमें दिखाते हैं ऐसा नहीं बनना, बल्कि हमेशा संसार उनका एक स्वभाव, उनका एक रीति हमें दिखाएगा। संसार का मतलब वो हमारा दोस्त रहेगा, हमारे साथ काम करने वाला हो सकता है, हमारा पड़ोसन हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, जो कुछ भी हो, हम उनके स्वभाव में उनके साथ बर्ताव नहीं करें, बल्कि हम अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को उनके सामने पेश करने वाले, जो मेरी प्रभु को दर्शाने वाला एक व्यक्ति में से बने, परमेश्वर के निष्कलंक और भोले और हृदय के अंदर सच्चाई और प्रेम से उनसे बर्ताव करें। ये प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं प्रियो। तो दुनिया की, संसार की रीतियां, उनकी स्वभावें तरह तरह की होते हैं, लेकिन हमको दो तीन स्वभावें यहाँ पे जो बताते हैं। पहला जो स्वभाव यहाँ पे जो बताया है, उनके सामने भोले होना और निर्दोष होना। निर्दोष का मतलब ये है कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। भोले का मतलब हर एक बात में एक निष्कलंक स्वभाव के साथ होना, बच्चों जैसा, बालकों जैसा एक भोले स्वभाव होना, निर्दोष होना हर एक विषय में, कोई भी पाप, कोई भी विषय में हमारा चाल चलन, हमारा हृदय, हमारा स्वभाव बिल्कुल निर्दोष रहना। और बताता है परमेश्वर का निष्कलंग पुत्रियों, पुत्री पुत्रों में से होना। और देखो, उनके सामने जलते दीपकों के समान उनके सामने चमकना, वहां पे बताया है जल के दीपकों के समान दिखाई देना। प्रियो, इसलिए हमें इस वचन के मुताबिक आपको मैं याद दिलाना चाहते हैं, दुनिया अपनी स्वभाव, अपनी रीति रिवाज से हमें दिखाते जाएंगे, लेकिन हम दुनिया में से, दुनिया के लोग नहीं, संसार के लोग नहीं, उनको हम अपने परमेश्वर को, मेरी प्रभु को दर्शाने वाला, पेश करने वाला एक प्रभु का चेले होकर, उनके सामने निर्दोष होकर, उनके सामने भोले होकर, उनके सामने परमेश्वर की निष्कलंग पुत्री पुत्रों में से होकर के परमेश्वर की उस ज्योति को, उस उजियाले को, उस स्वभाव को दिखाने वाले में से होना, ताकि उन लोग हमें देख करके परमेश्वर को पहचाने, उन लोग हमारा स्वभाव को देख करके प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और प्रभु यीशु मसीह में आने वाला एक रिश्ता, एक मार्ग उनका जीवन में खोले। इसलिए प्रियो, इस संसार में जो कोई काम आप करते हो, जो कोई जगह पे आप रहते हो, संसार का एक ही स्वभाव है, टेढ़े हटीले, दिखावा, बहाना करना, ये सब कुछ दुनिया के, संसार के स्वभाव है। लेकिन उनके सामने हमारा स्वभाव क्या होना है? निर्दोष होना प्रियो, भोले होना, परमेश्वर के निष्कलंग पुत्री पुत्रों में से होना और परमेश्वर का उस ज्योति को, उस दीपक को उनके सामने, जलते दीपकों के समान उनके सामने परमेश्वर का वचन लिए फिर के उनके सामने जीने वाले में से होना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।